हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय, इस भुखमरी सूचकांक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है। श्रीलंका हमसे ऊपर है, जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं। लोगों ने देखा आटे के लिए गोलियां चल रही है। कौन से लोग किस आधार के ऊपर बनाते हैं? चुप हो जा सातवीं फेल। और आपके प्रेरणा स्रोत क्या कह रहे हैं सुधांशु? अब मैं दत्तात्रेय होस बोले वो क्या बोले थे उस पर आपकी तरजीह और तवज्जो चाहूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं, ये कुल मिलाकर 43-44 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। वो कहते हैं कि 1% जो शीर्ष के लोग हैं इस देश में, 20% हिस्सेदारी उनके पास है, आय की संपत्ति 42% है। आपने अच्छा सवाल किया कि 1% लोगों के पास संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन से नेता है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति। आपको उदाहरण देता हूं, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति कहे मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं। अच्छा, गायत्री प्रजापति, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। आप स्वच्छ और स्वस्थ चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने एनसीपी की टूट से पहले एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया अजित पवार को, हसन मुशरफ साथ में, छगन भुजबल इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, इन्हें मंत्री बना दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे दो दो हाथ, मतलब हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इसके बारे में क्या बोलेंगे? संदीप जी, वैसे विषय गरीबी पे था, भ्रष्टाचार नहीं। आप भ्रष्टाचार पर आप आए ना, सबसे संपत्तिवान नेता वो हैं जो गरीब की बात करते हैं। अजित पवार नोट की माला वो पहनती हैं जो कहती हैं कि मैं गरीब की बात करती थी। मैं नहीं मानता। हमारा कहना है कि अजीत पवार पे आरोप है, जिस जिस नेता पे आरोप है, हमारे हिसाब से जब तक आरोप के ऊपर से वो बरी नहीं होता, किसी से हमने केस विड्रॉ नहीं किया ना डाइल्यूट किया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मगर मजे की बात, इनसे शर्मा से केस विड्रॉ नहीं ये हुआ। कहने लगते हैं कि मुकुल रॉय नहीं, मुकुल रॉय हम, शुभेंदु अधिकारी, कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। बीएस आप बताइए कौन सा केस विड्रॉ हुआ है? केएस ईश्वर, बताइए कोई केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। नारायण राणे, अब अच्छा बात नहीं है।